और 3 नवंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार झारखंड के गिरिडीह में आ रहे हैं दुखिया महादेव मंदिर में, और गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन जो कि एक समाजसेवी संस्था है और उसके संस्थापक विनोद सिन्हा जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी भव्य होता है, क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की, किस तरीके से ये आयोजन होगा? महाराज जी 2 तारीख को रांची पधारेंगे एयरपोर्ट पे। रांची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से महाराज जी जो है गिरिडीह एयरपोर्ट आएंगे, वहाँ से महाराज जी दुखिया महादेव स्थल पे पहुँचेंगे और मुझे उम्मीद है कि 15 लाख लोग इस बाबा के भव्य दरबार में भाग लेंगे। उसके लिए मैंने 2 महीने का समय लिया है और बाबा से विनती की है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गिरिडीह के जन जागृति के लिए, युवाओं की सोच को मजबूत करने के लिए, युवा जो अपने हिंदू धर्म के प्रति और अपने समाज के प्रति, देश के प्रति अपने गौरवान्वित महसूस करें, बाबा से आशीर्वाद लेकर के अपने धर्म के प्रति बेहतर रूप से काम कर पाएंगे। बागेश्वर धाम सनातन धर्म की रक्षा के लिए 2 और 3 नवंबर को गिरिडीह में एक तरह से जो है बागेश्वर जी जन जागरण, जन जागृति, समाज में एक वहाँ के लोगों का हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, भाइयों और बहनों के लिए, संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे और बालाजी से प्रार्थना करेंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुजी बालाजी जो है महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। हमारी भतीजी प्रिया मल्लिक जो सिंगर है बम्बई की, वो भी अब बम्बई से आई हुई थी गिरिडीह और इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया मनोज तिवारी जी के साथ मिलकर के। यहाँ भी एक दो गाने आप लोगों को सुनाएंगी। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि बागेश्वर धाम का कार्यक्रम जो 2-3 नवंबर को गिरिडीह में होने जा रहा है, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आएँ और इस कार्यक्रम का आयोजन मैं ही करूँगा विनोद सिन्हा, समाज सेवी के रूप में और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक भाजपा नेता के रूप में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं गिरिडीह मानव सेवा संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन 2 और 3 नवंबर को आयोजन की गई है। अभी पिछले दिनों वहाँ पे रुद्राभिषेक भी हुआ था, मनोज तिवारी जी और प्रिया जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी दिया था और अब 2 महीने के बाद इतना भव्य कार्यक्रम गिरिडीह जैसे शहर में, किस तरीके से लगता है कि ये कार्यक्रम का वहाँ पे आयोजन जो है वो सफल हो पाएगा? ये बहुत ही सफल आयोजन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 15 वर्षों से कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं गिरिडीह में कराते रहा हूँ और इस बार बाबा आ रहे हैं तो बाबा के आने के बहुत ही मैं खुशी हूँ और बाबा 15 लाख से कम लोग नहीं आएंगे मुझे उम्मीद है और मैं बेहतर तैयारी करूँगा और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म की रक्षा की जाए और युवाओं में एक तरह से समाज के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाए। उनका जो क्रेज़ है, चाहे वो युवा हों या बुज़ुर्ग हों या महिलाएं हों, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक चाहते हैं कि वो पर्ची उनसे निकले, तो झारखंड के जो लोगों का उत्साह है उसको कैसे संभालेंगे आप लोग? देखिए, ये तो सब भगवान बालाजी करेंगे, हनुमान जी करेंगे। चूँकि मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बालाजी के आशीर्वाद से मुझे लगता है बेहतर होगा और जिसके भाग्य में पर्ची होगा वो 3 तारीख को निकलेगा। बालाजी की कृपा होगी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनका पर्ची निकालेंगे और बालाजी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनोद सिन्हा जी और इनका कहना था कि ये भव्य कार्यक्रम होगा और बहुत ही सफल आयोजन होगा। सहयोगी रितिक के साथ नीलेश सिंह, लाइव लगातार रांची।